भाई साहब ये धुंध धीरे धीरे बहुत ज्यादा घनी होती जा रही है भैया। अभी हमने जस्ट टोल प्लाजा क्रॉस किया है और ये देखो इन वादियों में टकरा चुके हैं, गाड़ी टक्कर मारेगी, भूल जाऊंगा मैं ये शहर। और भाई यहाँ पे देखो भाई ग्रीनरी कितनी है भाई साहब, क्या शानदार ग्रीनरी है, शानदार। और ये दोनों दीदी यहाँ पे अखरोट बेच रही हैं। दीदी कैसे दिए? 400 रुपए। Hey guys, good morning, welcome back to another vlog। मैं हो गया चालू ही, सारे सो रहे। तो भी हम लोगों ने दो रूम लिए थे, एक ये वाला इसके बगल वाला, और अभी चारों उठ के मतलब ये हम दोनों इसके रूम में। और रूम की चीज ये लिए देख लो, फोर सीलिंग किस प्रकार की करवाई हुई है, और ये फोर सीलिंग फ्लेक्सिबल है। अगर ऐसे करोगे तो ऊपर चल जाएगी, पानी डालोगे तो नीचे नहीं आएगी। बहुत शानदार वाली है भाई, मैं दिखाऊंगा एक बार, मैं ऊपर जाऊंगा। कोई ज्यादा जंप करे ना तो ऊपर टकराए ना, तो मतलब समझ रहा है ना, गया बस वो ही। मतलब फोर सीलिंग अच्छी है, टकराएगा तो उसके लगेगी नहीं, देखो वो वाली चीज है। दोबारा डबल प्रेशर से आएगा, डबल प्रेशर से नीचे आएगा भाई। ये रहे प्रशांत भैया, गुड मॉर्निंग प्रशांत भैया। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसको क्या बोलते हैं, इस वाले को जो आप ओढ़ के सो रहे हो? स्लीपिंग बैग है भाई, स्लीपिंग बैग। गिफ्टेड भाई, मतलब होटल वालों ने हमको एक कंबल दिए, ये इन कंबलों में, मैं इन कंबलों में, प्रशांत भैया भाई दिल, मतलब ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये अपने स्लीपिंग बैग में है, देखो भाई, बोले मेरे को होटलों इनकी कोई जरूरत नहीं है, है ना, बिल्कुल जरूरत नहीं है ना भाई। एहसास है इस स्लीपिंग बैग में, तेरे को पता है ना, गिफ्टेड है, गिफ्टेड है। ओके ओके हमको कोई गिफ्ट नहीं करता, आपको करता है कोई गिफ्ट? नहीं, मुझे भी कोई नहीं। नहीं अरे अपन दोनों सेम है, इसीलिए मैं वहां पे जाऊंगा, जाते ही ढूंढूंगा, जाते ही ढूंढूंगा, चिंता मत करो। प्रशांत भैया ने तो दुनियादारी छोड़ छाड़ दी, मतलब गिफ्ट दो तो ठीक, नहीं दो तो ठीक, मैं तो मेरे हिसाब से खरीद लूंगा। नहीं, नहीं, मैंने मांगा नहीं था, मुझे जबरदस्ती लाके दिया गया, पर ये है बड़ा सॉफ्ट यार, सच में सॉफ्ट सॉफ्ट इंसान ने दिया ना, है तो सॉफ्ट यार। देखो हमको तो किसी ने दो रुपये टॉफी नहीं दिया आज तक, और तो बहुत दूर की बात है। तो मूवी दिखाने ले जा रहे ना, मैं तो एक कंबल एक ही बार देख के छोड़ दिया। लेकिन ना मूवी दिखाने कौन लेके जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी तो है। ये एक बहुत बड़ी गलत चीज है, ऐसी मूवी मत ही देखो। जैकेट वगैरह गाड़ी में रखे, निकालने में आलस आ रहा है, तो भाई मैं तो इसी को ओढ़ के ऐसे बैठा हूँ, बस ऐसे बैठे हम तो, सीधी बात है भाई। हाँ तो भाई मैं और प्रशांत भैया जा रहे हैं मार्केट की तरफ, एक डेढ़ किलोमीटर आगे वहाँ पे, बिकॉज जो हमारी बाइक है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, वो थोड़ी ख़राब हो गई, तो उसके कुछ हमको सामान चाहिए, तो अभी हम लोग सामान लेंगे। बैठन यहाँ पे है, 8-9 डिग्री सेल्सियस का तापमान है यहाँ पे अभी सुबह सुबह, और कुछ खाने को नहीं था तो मैं बिस्किट खा रहा हूँ। ये मैंने जैकेट प्रशांत भैया की मार ली, बिस्किट हमने किसी और के मार लिए, चप्पल और पजामा खुद का है बस, बाकी हम सब किसकी मार मार के जीत चला रहे हैं। तुमको पता है भाई, मेरे को गेस करके बताना जैकेट कितने की है, मतलब बता देना, मैं और अच्छी तरह दिखा देता हूँ। इन्होंने रेट बोलियो मेरे तो कान से फट गए, मैं क्या बस आज इतना फ्लेक्स करूँगा इस जैकेट को मार के जिसकी हद नहीं। तो कमेंट करके बताना, गेस करना कि कितने की हो सकती है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं पानी वगैरह लेने के लिए, तो हमको चाहिए 12, 13, 14, 15, 16, 17 नंबर का पाना। क्या बात है, मेरा दोस्त है उसका काम है एलोवील का, तो ये वाली एलोवील सभी है ऐसी, उसका काम है रौनक का। भाई अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो देख, यहाँ पे तेरी व्हील है नहीं, ये पहला स्टोरेज यहाँ पे तेरी व्हील नहीं मिली मेरे को, तो यहाँ पे भी अपनी व्हील भेज, देख ले ठीक है। मैं जगह बता देता हूँ, ये जगह कौन सी प्रशांत भैया? रोहतांग, नानोता। अच्छा नानोता, भाई नानोता है, नानोता में भेज। और भाई तू ये वाली चीज़ें बनाना चालू कर, देख ट्रक में अच्छी लगती है। ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, देख क्या बढ़िया बढ़िया चीज़ है, ये देख, ये देख, ये सब चीज़ें बना लो व्हील के साथ, ये भी सब बना, अच्छा रहेगा। देख मैं ऑप्शन दे रहा हूँ तेरे को, ठीक है ना। ये देख कपड़े कुपड़े बना ले, ये कपड़े क्या काम आते पता नहीं, बना ले कपड़े भाई, ये तो कुछ भी नहीं यार, कपड़ा ले फाड़ इनको बिना प्रेस की टका दे, तो ऐसा कपड़ा बन जाएगा बिना प्रेस किया हुआ, देख गुलजटे पड़ रही है साबुन। अभी अब हमने हमारे टूल्स ले लिए, पाने खाँचे पाँचे जहाँ भूबी वो जो भी ये सारा सिस्टम है वो ले लिया, उसको रखते आगे। और अब तो वही हम पहुँच चुके हमारी बीस्ट के पास में, बर्फ जम रही है, बर्फ बर्फ ओपनिंग, वाह ये क्या बात है, वाह बस। और अब हम जो इसकी ये वाली जो ये पीछे वाली जो किट है इसको उतारेंगे इन पेच पानों से, क्या बोलते हैं, टूर पैक को उतारेंगे, और जो हाल फिलहाल इसका जो कवर वगैरह है उसको हम समेट रहे हैं और दोबारा इसी के अंदर रख लेंगे। भैया हमारे होटल वाले भैया थे, तो बोले भाई के साथ फोटो खिंचवानी है, मैं खिंचा लो भैया, भैया फोटो खिंचवा रहे हैं,
और मैं उनका शॉल लेके खड़ा हूँ, ये देखो। प्रशांत भैया फोटो खींच रहे, ये बता रहे कैसे कैसे खींचना है बस। और भैया बाइक को ठीक कर, भैया बाइक खोल रहे हैं, बाइक खोल रहे हैं, और नीचे से यहाँ से कहीं से पाने वगैरह से कस के वो खोल रहे हैं, तो देख रहे हो भाई कैसे खुलेगी। मैं और अच्छी तरह दिखाने की कोशिश करता हूँ भाई, हम लोग यहाँ से बाइक खोल रहे हैं। ये पूरा टूल पैक क्या है निकालना है, ये पूरा ऐसे नीचे झुक रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट होता देखो ऐसे खुल रहा है ये। और अब हमारी बाइक का जो ये टूल किट है ये उतरेगी, टूल पैक उतरेगी। अब क्या मैं आराम से चलाऊंगा, नहीं तो मेरे को टेंशन होती रहती यार ये गिर ना जाए बस। हाँ तो ठीक है ना, तो यार गिरेगा तो यार अपने को भी दिक्कत, सामने वाला अगर कोई आएगा उसको भी दिक्कत है बहुत ज्यादा भाई। बढ़िया है बाइक वाला आके टकरा गया ना, मुझे गया काम से, सही है ऊपर चढ़ जाएगा देखा था गन्ने वाली स्टाइल बाइक के साथ होगी भाई। तो यार मतलब तगड़ा ही जिगर, तो अरे गजब ही यार, मतलब स्किड मार के ऐसी कैसी खड़ी होगी वो वहां पे, गद्दे में नहीं घुस जाते अपन कूद के। अरे हम भी आगे होने वाले थे, वो तो व्लॉग में पता चल गया कि हम लोग बच गए, वरना हमारी गाड़ी भी ऐसी होती। मैं भी ठीक है बच जाते। ओ माय गॉड आ गई उतर के, और ये साइड में ये देखो यहाँ तो जी अब ऐसी लगेगी, अब ये हमारी बाइक को जैसी लगी अब होगी जैसे। यार वैसे खराब तो अभी भी नहीं लग रही, रगड़ हो गई रगड़ है भैया, खराब तो अभी भी नहीं लग रही, शानदार तो अब भी लग रही है। मोनू वहाँ मजे करेंगे बैठ के इसके ऊपर, ठीक है किसके ऊपर, इस बाइक के ऊपर। हाँ मतलब वो रोड खराब थी ना उसकी वजह से हुआ है ये। अब अपन क्या करेंगे इसी के साइड में लगवा देंगे, ये तो मजबूत है, ये तो अपना टेस्टेड हो गया कि यहाँ से तो कुछ नहीं होना इसका, क्यों हमने इसको भाई ऐसे दबा दबा के मैं तो खड़ा होकर चेक किया है पर ये झटके। ऑल सेट टू गो, पूरा सामान वगैरह कर लिया पैक, पूरा हो गया ए टू जेड अच्छी तरह रख दिया। अब क्या हो गया देख जी, इसको उठा के पीछे भाई हम लोगों ने जो बाइक वाली जो वो थी ना सीट उसको खोल के मैंने मेरी गाड़ी में रख लिया यहाँ पे। टूर पैक को यहाँ रख लिया, पूरा सामान यहाँ रख लिया, गैंगस्टर लुक में आ गए हमारी बाइक भाई। हाँ अरे हाँ उसके बाद तो बाइक मैंने ढंग से दिखाई नहीं ना, और ऐसी कुछ दिख रही है भाई हमारी बाइक बिल्कुल गैंगस्टर लुक अच्छी तरह। मैं कोशिश करूंगा देहरादून में इसको थोड़ी सी चलाऊं, वैसे ये हैवी तो नहीं है 450 किलो की, सारी चलेगी ओढ़नी, दिक्कत ये है ना। अब बिना टाइम वेस्ट के भी निकलते हैं यहाँ से, वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे जाके सामान वान रख के मैं मेरी वीडियो एडिटिंग करूँगा और नहाऊंगा धोऊंगा, बाकी भैया जो हैं वो इसको ठीक करवाएंगे। तो भाई मैं यहाँ पे और वो रेशन दुबिया जा रहे हैं, और तुम भाई फॉग देख सकते हो यहाँ से, अभी जो देहरादून है वो लगभग 60 किलोमीटर के आसपास है, और भाई अभी से फॉग स्टार्ट हो गया। 100 किलोमीटर से चलेंगे, हाँ शॉर्ट ऑफ 100 किलोमीटर। और फॉग देखो भी, फॉग कितना सारा है यहाँ पे, लो आगे लो शंतु भैया का इशारा आगे लो, और ये हमने हमारी गाड़ी आगे मचका ली, मतलब फुल वेजिटेरियन, फुल वेजिटेरियन बीड़ी है। हाँ पता बात है, इन वादियों में टकरा चुके हैं, गाड़ी टक्कर मारेगी भूल जाऊंगा मैं ये शहर। तो भाई अभी हम लोग चेंज कर रहे हैं हमारी कार, मैं इधर मतलब मैं आ रहा हूँ को पैसेंजर साइड पे, और भैया गाड़ी चलाएंगे बिकॉज मेरा मन है सनरूफ से बाहर निकलने का, तो मैं वहाँ जाऊँगा। और भाई जंगल यार, जंगल की लाइफ कितनी अच्छी है, मतलब पहाड़ों के बीच में रहने की लाइफ यार, मतलब ये वैसे देखा जाए तो एक दो दिन की बात है, बाकी तो भैया वहाँ पे टॉयलेट करने गए हो भाई, देखो कहाँ से यहाँ से चढ़ के वहाँ पे गए हैं भाई साहब। अच्छा अब आप अभी निकले हो बाहर, मैं सोचा पानी वानी पी रहा था। ओके देख रहे हो कहाँ पे गए भाई साहब भैया अरे वहाँ से आगे मत चल जाना। गाइस मैं अपनी गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकल गया देखो, और आज मैं पहली बार इस गाड़ी से, मेरी वाली गाड़ी इससे मैं बाहर निकल रहा हूँ, तो मैं बाहर से भाई न्यू एक्सपीरियंस ट्राई करता हूँ भाई कैसा लगता है भाई साहब। भाई मैं बाहर निकला, ठंड ने अपनी औकात दिखा दी, सर्दी से लग रही है, थोड़ी थोड़ी इसी लग रही है। क्या बात है यार, संधु भैया यहाँ पे रास्ते में मिल गए हमको, आगे लगाओ वहाँ पे पास में लगाओ थोड़ा। चलो गाइस राइडर बेबी राइडर इधर लगाओ, ले लो जगह आबादियो चाल बाजियो, काट दो और ये काट दे यार। क्या बोलना चाहोगे भी, आपको कैसा लग रहा है बाइक? भाई मुझे बहुत तेज सुसु आ रहा है। वाँ।
क्या बात है। और जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक कुछ नहीं निकलेगा। काम करो, सब ऊपर कहीं पे जाके आ जाओ। आपको पता है भैया टॉयलेट करने गए वहाँ पे, भाई ऊपर ही करे, पता नहीं कहाँ गए। मैं देख रहा हूँ कहाँ रह गए, मैं तो ब्रेकफास्ट तो नहीं करने लगा। विवेक जी सूसू करने बताएगा और मैं पहली बार निकल रहा हूँ इससे, और मेरे को बड़ा ऐसा लग रहा है कि यार ठीक है जो भी है। मोनू जी हम आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं, पीछे पीछे देखिए और बैंड सब कुछ कर लो, मैं कट कर लूंगा। अरे कुछ नहीं, ये मोनू का ब्लॉग है जिसमें मोनू और हिमाचली बंदर, उत्तराखंडी बंदर है, उत्तराखंडी बंदर। यस भाई, सब लोगों से निवेदन है मेरे व्लॉग्स में गालियां वगैरह ना दे, एक फैमिली व्लॉग होता है, अगर दोगे तो मैं काट दूंगा। वैसे उत्तराखंडी बंदर गाली नहीं है ना, मैं वैसे बता रहा हूँ आगे के लिए, अगर वैसे तो कोई देगा मैं काट देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को लग रहा है थोड़ा सा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे। ये देखो ठोक दी, आयरन लगा दी इन लोगों ने। हाँ भाई ये देखो लगा दी इन लोगों ने, पप्पी दिला दी गाड़ी की, दिला दी पप्पी दिल, ओ भाई दिला दी दिला दी दिला दी, स्मूच हो गया गाड़ियों के बीच में गाइस। तो भाई हम लोग पहुँच चुके देहरादून, तो हमने बीच में छोटा सा स्टे लिया है क्योंकि हमको बीच में एक अंडे वाले भैया और पकौड़ी वाले भैया दिख गए, तो हम लोग अभी अंडे और पकौड़ी खाएंगे भाई ऐसे मौसम में, ठंडे ठंडे मौसम। ओ भाई तल रही है, ये देखो पकौड़ियाँ एग्स सब कुछ सिस्टम है, वो सिस्टम कराओ भैया, कराओ पैक करो। पैक नहीं करा रहे, मतलब पैक इतना से यहीं पे खाना है, आप वो करवाओ। हम आ चुके अपने होटल में और सबसे पहले मैं तुमको रूम दिखा दूँ। तो भाई ऐसा कुछ है हमारा रूम, भाई मैंने पहले चेक इन कर लिया, मैं बाद में वीडियो बना रहा हूँ। तो ये हमारा रूम है, डबल बेड एक सिंगल बेड है, भैया अपना काम कर रहे हैं, और ये हमारे देखो ये सामान पूरे बिखरे पड़े, ये सब इग्नोर कर देना प्लीज़। ये मेरा पजामा सूखा नहीं था, जयपुर में सुखाया था गाड़ी के पीछे, अभी भी नहीं सूखा। ये और ये दो जुराबे ये सूखने के लिए लगा दी, और ये वाला मेरा बैग है, ये अलमारी, टीवी, और ये एक छोटू सा बाथरूम है हमारा भाई, ये वाला बस ठीक है, और ये मेरा बेड है। पूरे दिन के ड्राइव से बिल्कुल थक गए, तो यहाँ पे मैं हम लोग थोड़ी देर आराम करेंगे, नहा धो के बिल्कुल फ्रेश एंड अप होके, और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। होटल वोटल लेके हम लोग कर रहे हैं आराम, आराम इन द सेंस हम अपना काम कर रहे हैं, जैसे मैं अपनी अभी वीडियो एडिट करूँगा, प्रशांत भी अपनी कॉल वगैरह पे लग गए, अभी संतु भी आए हैं तो वो भी अपना कुछ काम करेंगे, और वो भैया अपना काम कर रहे हैं। तो भैया अभी हम लोगों ने घंटे भर के लिए बोला है कि हम हमारा काम वाम करेंगे, फिनिश करेंगे, मेरे दो व्लॉग्स हैं वो एडिट होंगे, वो व्लॉग्स एडिट करने हैं मेरे को, फिर एक दो कॉल मेरे को भी करनी है, तो वो सब करके फ्री होके फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। हाँ तो भाई मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह मैंने कर ली, और अब मैं आया हूँ। अच्छा गाड़ी खुली है क्योंकि हमारी बाइक यार थोड़ी सी ख़राब हो गई है, ये देखो इसके दोनों के दोनों डब्बे उतार दिए, और भैया अब यहाँ पे कुछ चेक कर रहे हैं इसका साइड पाइनियर्स, बिकॉज हमारी जो पीछे वाली ये थी वो तो मैंने दिखाया था कि वो टूट गई, टूट इन द सेंस ये यहाँ से बेंड खा गया था, तो अभी इसको यहाँ से वेल्डिंग कराया, और अब संतु भी यहाँ पे इसको कस रहे हैं, बैठा कुछ यहाँ पे भी वहाँ पे भी, इतना बाहर आने के बाद लेकिन हो ही नहीं रहा यार, ये तो काम नहीं बैठ रहा इसका यार, एक बार थोड़ा सा और लग जाए ना, एक चूड़िया कुछ और आ गया ना। अभी संतु भी आगे हालत देखो, हाथ वात कपड़े खराब पूरे, मैकेनिक ये 18 इंच डोड़ा, क्या दिखाओ 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 भाई साहब, व्हाट एन बैक गुड। और भाई यहाँ से पहाड़ तुमको इतनी अच्छी दिख रही है। तो गाइस मैं और विवेक भैया जा रहे हैं यहाँ पे भी आगे उत्तराखंडी की गलियों में, सड़कों पे चल रहे हैं अभी हम लोग, मेरे को लग गई भूख, तो भाई मैं तो खाऊंगा कुछ बढ़िया सा खाना वाना, दबा के पेलना है, बल्कि संतु भैया चले गए अपने कोई फ्रेंड से मिलने के लिए, वहाँ पे उनको 1.5 घंटा लगेगा, प्रशांत भैया अभी नहा रहे हैं तो उनको वैसे भी टाइम लगेगा, और मेरे को भूख लग गई थी, प्रशांत भैया खाना खाएंगे नहीं, तो मैंने सोचा इस टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं और आगे थोड़ी देर अच्छे से खाने पे जाते हैं, वेज तो वेज, नॉन वेज तो नॉन वेज, जो भी अच्छा मिले वो खाएंगे, वो मैं फूड टेस्टिंग करूँगा यहाँ की। वैसे मैं हूँ तो फूड ब्लॉगर ही, वो तो फिटनेस के लिए जिम जाता हूँ मैं बस, बस भाई खाने से प्यार है, खाना एक प्यार है, खाना एक नशा है, और इस नशे को मैं बरकरार रखना चाहता हूँ, इस नशे में मैं डूब के मर जाना चाहता हूँ बस, नशा यही करना बस। अच्छा यही क्या पास में, फिर तो यार चलो फिर तो बनाते हमारे कैफे जाके, देखो ये हो रहा है भाई ये तो काफ़ी सही है, नाइस वन, गुड गुड गुड। अभी खाना खा लिया और अब उत्तराखंड की वाद मतलब गलियों में दोबारे से आ गए हम लोग,
वो भी मेरे साइड में तुम देख सकते हो, वो हयात रेजिडेंसी भाई क्या होटल लग रहा है यार यहाँ से, मतलब दिन में इतना अच्छा लग रहा था, अब जो इसकी खूबसूरती निखर के आ रही है भाई साहब गजब शानदार।